सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बीन की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाने के लिए हमने लिए है 250 ग्राम बीन। इसे मैंने धोकर अच्छी तरह काट लिया है और दो बड़े टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। और ये दो बड़े प्याज हैं, इनको मैंने रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़े से लंबे स्लाइसेस हैं। और दो आलू हैं, उनको भी मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया है, काट लिया है। और इसमें लगेंगे जो मसाले, एक चम्मच नमक लिया है मैंने, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच से भी कम थोड़ा लाल मिर्च है, और थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास, ये ऑप्शनल है, डालने हैं डालें, नहीं तो ना डालें, आधा चम्मच जीरा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सब्जी को। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें आधी कड़छी ये वाली ऑयल की मैंने डालकर गर्म कर ली है। तो ऑयल मैंने मस्टर्ड लिया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिफाइंड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जब जीरा क्रैक हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे। इसे हमने 3-4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। प्याज देखिए हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब जो मसाले हैं हमारे, हम इसमें सारे डाल देंगे, नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से फ्लेक्स, ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। और इनको थोड़ा सा मिला लेंगे, इनको पकाना है थोड़ा सा। जब हल्दी लगे कि भून गई है, तब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए हल्दी ने कलर छोड़ दिया है। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे। और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अभी टमाटर हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बीन डालते हैं। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। अब देखिए इसे 3-4 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम ढक्कन उतारेंगे और इसे हिला देंगे एक बार। इसको हिलाना बीच बीच में जरूरी है, 2-3 बार आपको हिलाना पड़ेगा जब तक ये पकेगी, ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि पानी वगैरह हमने इसमें नहीं डालना है। अब ये हमने इसे हिला दिया है और इसे और ढककर 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। अब ये आलू वगैरह देख लेने हैं आपने अच्छी तरह पक गए हैं कि नहीं, तो आपने तोड़ के देखना है। आलू हमारे हो गए हैं, अब हमने इसको ढकना नहीं है, अब 2-3 मिनट के लिए इसे और खुला पकाएंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है वो सारा सूख जाए। इसे पकने में कम से कम 20 मिनट के करीब लग जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और इसे अब हम खुला ही पकाएंगे और मीडियम आंच पे, ज़्यादा हाई पे नहीं, इसे हमने मीडियम पे ही पकाना है। और जब तक इसका मॉइस्चर वगैरह अच्छी तरह सूख ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे।
अब सब्जी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं खुले में, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। ये रेडी हो गई है और इसे एक बार चलाकर देख लेंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। लीजिए, हमने सब्जी को सर्व कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।